हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीरा की रसोई। चलिए आज हम बनाएंगे पालक पनीर। पालक पनीर की पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ, लेकिन वो बिल्कुल अलग रेसिपी थी, ये बिल्कुल अलग है। चलिए फिर दिखाते हैं इसे बनाना कैसे है। ये हमने 400 ग्राम पालक लिया है। पालक को अच्छी तरह साफ कर लिया है और इसे हमने पानी से 2-3 बार अच्छी तरह वॉश कर लिया है। और ये हमने 400 ग्राम पनीर, एक प्याज और एक टमाटर की प्यूरी बना कर रखी है, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा पेस्ट बनाया है कूट के। और एक कढ़ाई में पानी लेंगे, 2 गिलास पानी डाला है इसमें, और इसे पालक को हम इसे उबा लेंगे। पालक आप छोटी पत्ती वाला ले तो उससे ज़्यादा अच्छी बनती है सब्ज़ी। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप उनके डंठल अलग भी कर सकते हैं। और इसे थोड़ी देर के लिए उबालेंगे और फिर उसके बाद में हम ठंडे पानी में इसे डाल देंगे। चाहें तो आप थोड़ा सा इसमें बर्फ़ भी डाल सकते हैं, जिससे कि जल्दी ठंडा हो जाएगा ये पालक और इससे कलर भी ख़राब नहीं होगा इसका और कुकिंग इसकी रुक जाएगी। और इसे ठंडा होने देते हैं जब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। फिर इसे हम ग्राइंडर में, मिक्सी जार में पीसेंगे इसे। इसकी प्यूरी बनाएंगे, एक लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में थोड़ा ऑयल डालेंगे और साथ ही डालेंगे बटर। जब बटर मेल्ट हो जाएगा फिर इसमें डालेंगे हम पनीर और पनीर को हम फ्राई करेंगे। एक हल्का सा इस पर कलर लाएंगे, गोल्डन कलर का, जब तक इसे भूनेंगे। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा डाल देंगे नमक और इसे हम भून लेंगे। ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, नहीं पनीर हमारा हार्ड हो जाएगा। हल्का सा इस पर कलर आ जाएगा, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। पनीर को निकाल लेते हैं। अब लेते हैं कढ़ाई, सेम कढ़ाई में उसी में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाएगा फिर इसमें डालेंगे मसाले। हमने कुछ मसाले लिए हैं सूखे, थोड़ा जीरा, हींग, एक लौंग, सफेद इलायची, थोड़ी दालचीनी और साथ ही डालेंगे प्याज। तो प्याज को अच्छी तरह भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज थोड़ा सा कलर आ जाएगा इसमें डाल देंगे हम अदरक लहसुन, हरी मिर्च का कुटा हुआ दरदरा पेस्ट, इसे भी इसमें डालकर भूनेंगे। अब डालेंगे इसमें सूखे मसाले। आप ऐसे एक बार बनाकर देखें, पालक पनीर की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है खाने में। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला आधा चम्मच, थोड़ा सा डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इन मसालों को मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे टमाटर प्यूरी। और इसे डालकर भूनेंगे मसाले को अच्छी तरह। जब तक मसाला अच्छी तरह भुन नहीं जाता इसे हम भूनेंगे। ये 10 से 5 मिनट में अच्छी तरह भुन जाएगा मसाला। कोई भी सब्जी आप बनाएं, सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर ही होता है कि आप मसाले को अच्छी तरह भून लें। जब तक मसाले से अच्छी तरह खुशबू नहीं आने लगे तब तक हमें इसे भूनना चाहिए। और ये ऑयल ने छोड़ने लगे। जब मसाला भुन जाएगा तो मसाले को भी निकाल लेंगे। एक प्लेट में हम
में पालक पनीर कुछ अलग तरीके से बना रहे हैं। चार मिनट लगेंगे मसाला भुनने में, मसाला भी बनकर तैयार हो जाएगा और साथ ही डाल देंगे नमक। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। थोड़ी सी डाल देंगे इसमें कसूरी मेथी, ये भी मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और थोड़ी देर लिए ढककर से पकाएंगे और इसमें डाल देंगे पनीर और इसे भी मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ी देर के लिए और कुक होने देंगे इसे। ये पालक पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। और एक चम्मच डाल देंगे हम इसमें देसी घी, या आप बटर भी डाल सकते हैं। थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। चलिए पालक पनीर की सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है, निकालते हैं प्लेट में। थोड़ा सा गार्निश के लिए हम डालेंगे इसमें पनीर। गर्मा गर्म सब्जी आप खाइए और बनाकर खिलाइए। थैंक यू।